हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सब्जी की रेसिपी, जिसे नॉन वेजिटेरियन तो पसंद करते ही हैं, साथ में जो वेजिटेरियन है वो भी इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कटहल की एक ऐसी सब्जी है जिसे आप कटहल की प्याज़ा, कटहल दो प्याज़ा या कटहल की मटन की टेस्ट वाली ये सब्जी भी कह सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कटहल की इस मज़ेदार सब्जी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाफ के जी कटहल लिया है, जिसको इस तरह से टुकड़ों में कटा हुआ हमने लाया है। मार्केट में इस तरह का टुकड़ों में कटा हुआ आराम से मिल जाता है, यदि आपको नहीं मिलता है तो कटहल को आप लाके आप उसे काट लें, लेकिन काटने से पहले हाथ में तेल जरूर लगा लें। अब हम इस कटहल को उबालेंगे, तो उबालने के लिए हमने यहाँ पे कुकर लिया है। कुकर में हम जितना लेवल कटहल है उतना पानी डालेंगे ताकि कटहल इसके अंदर डूब जाए। इसमें कलर लाने के लिए हमने हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और हाफ चम्मच नमक भी हम इसमें डालेंगे। और कुकर को बंद करके एक सीटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं हमें पकाना है, बस एक सीटी ही पकाना है। यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो लहसुन लिया, एक बड़े साइज़ का एक छोटे साइज़ का, और पांच प्याज लिया मीडियम साइज़ का, यानी 250 ग्राम हमने प्याज लिया है। हाफ चम्मच जीरा, 3 से 4 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, खड़ा लाल मिर्च, 12 से 14 करीब हमने यहाँ काली मिर्च लिया है, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 5 से 6 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची हमने यहाँ पे लिया है, 2 मीडियम साइज़ का टुकड़ा इस तरह का हमने अदरक लिया है। अब इन सब को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इस तरह से गोटा हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो आप या तो मिक्सी में हल्का चला लें या खलबट्टे में कूट लें। यहाँ हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हम गरम मसाला यूज़ करेंगे, जो होममेड गरम मसाला है। तो इन सबको हम साइड रखते हैं और सब यहाँ हम मीट मसाला भी यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप पसंद करते हैं तो डालें और ना पसंद करते हैं तो ना डालें, लेकिन मटन की टेस्ट वाली सब्ज़ी बनाने के लिए आपको इसका यूज़ करना होगा, तब इसके अंदर जो है मटन का टेस्ट आएगा, तभी आपको लगेगा कि ये जो है बिल्कुल मटन जैसा ही बन के तैयार हुआ है जब आप इसे खाएंगे। तो देखिए, प्याज को हमने छील के इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेना है, तो प्याज को हमने इस तरह से काट लिया है सारे प्याज को। अब यहाँ पे हमने लहसुन को भी छील लिया है, लेकिन लहसुन को हम क्रश नहीं करेंगे, लेकिन अदरक को हमने क्रश कर लिया है। इधर जो है कुकर में भी एक सीटी लग चुका है, तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और कुकर को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए कुकर भी ठंडा हो चुका है, तो अब देखिए कुकर ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे खोल लेंगे और एक बोल में हम कटहल को छान लेंगे। यहाँ थोड़ा सा लाइट चला गया है जिसकी वजह से अंधेरा हो रहा है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लेंगे प्लीज़। और हम इस कटहल को इस तरह से बोल में छान लेंगे, आप देख सकते हैं कटहल को हमने बहुत नहीं गलाया है, बस हल्का पकाया है, अंधेरा की वजह से थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही है। तो इसे देखिए इस तरह से बोल में हम छान लेंगे और इसका जो पानी बचेगा उसको हम ग्रेवी में बाद में यूज़ करेंगे, तो इसे हम साइड करके रख देंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल चढ़ा रखा है, इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे और हम इसे फ्राई करेंगे। सेलो फ्राई हमें करना है, बहुत डीप फ्राई नहीं करना है। और आप यहाँ पे एक चीज़ का और आप ध्यान रखें, यदि आप कटहल की प्याज़ा या कटहल दो प्याज़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें और उसके साथ थोड़ा सा बटर भी आप यूज़ करें, लेकिन हम यहाँ पे मटन की टेस्ट वाली सब्ज़ी यहाँ बता रहे हैं आपको, लेकिन हम दोनों सब्जी की रेसिपी आपको समझाते जा रहे हैं इसके साथ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है ये फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसी पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे फ्राई होने देंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, सेलो फ्राई ही हमें इसे करना है। तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी ये फ्राई हो रहा है, तो लगभग ये फ्राई हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए। और यहाँ पे जो तेल बचा है, तेल हम यही यूज़ करेंगे क्योंकि हमने तेल काफ़ी सफिशियंट है। तो यहाँ पे हम 2 उबला आलू डालेंगे, इसे भी हम इसमें फ्राई करेंगे, इसे भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस
सेलो फ्राई ही करना है, ये ऑप्शनल है। हमारे घर से लोग कटहल नहीं खाते तो उनके लिए इसमें आलू डाला गया है। आलू का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, मटन टाइप टेस्ट आ जाता है। तो अब हम इसे, ये भी सेलो फ्राई हो चुका है तो इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। और तेल जो है हम यही यूज़ करेंगे, 3 टेबल स्पून तेल यहाँ पे चाहिए। यदि कम लगेगा तो आप थोड़ा सा डाल दें। तो 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, 3 से 4 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और साथ में जितना भी गरम मसाला, गोल मिर्च, लौंग, इलायची, सबको हमने हल्का सा क्रश कर लिया है खलबट्टे में। और इसके साथ ही हम प्याज भी डाल देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, यदि आपको प्याज कटहल दो प्याज़ा या कटहल प्याज़ा बनाना है तो इसके साथ ही आप सब्जी भी डाल दें। लेकिन चूंकि हम यहाँ मटन जैसा बना रहे हैं इसीलिए हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, सेलो फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है, तो इससे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है। अब हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हम इसी तरह से गोटा डालेंगे, लेकिन अदरक को हमने क्रश कर लिया है। लहसुन जो है ये कुछ गल जाएगा और कुछ टुकड़ा में रहेगा, जो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, धनिया, मिर्चा और हल्दी सबको हमने इसमें डाल दिया है। मिर्चा हम थोड़ा सा बचा लिए क्योंकि ज़्यादा तीखा मेरे घर कोई पसंद नहीं करता है। गरम मसाला हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इस मसाला को भूनेंगे, लेकिन मसाला जले नहीं और अच्छी तरह से भून जाए इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून करीब हमें यहाँ पानी डालना है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल दिए हैं और इसे हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए हमने ढक दिया है, अब इसे 2 मिनट के लिए हमें पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि 2 मिनट हो चुका है। तो एक बार हम इस मसाले को फिर से चला लेंगे, गैस का फ्लेम हम लो ही रहने देंगे और इसे फिर से हम एक बार और ढक देंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाए। तो देखिए 2 मिनट फिर से हो चुका है, एक बार फिर से हम इसे देखते हैं। तो देखिए ये मसाला जो है अच्छी तरह से भुन भी चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे और यहाँ हम थोड़ा सा मीट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे मीट मसाला डालेंगे। इसे भी 30 से 40 सेकेंड के लिए हम पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम यहाँ पे कटहल और आलू जो इसे हमने फ्राई करके रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे और इस तरह से हम इसे चलाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे मसाला के साथ। कटहल और आलू भी अच्छी तरह से पक जाए इसके लिए हम इसे यहाँ पे फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है, तो एक बार हम इसे चला लेंगे और फिर से एक बार हम ढक देंगे। तो 2 बार हमने इसे ढक दिया है, 2 बार हमने इसे 2-2 मिनट के लिए ढक के पका लिया है। अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब यहाँ पर अगर आपको कटहल प्याज़ा खाना है तो आप पानी यूज़ ना करें, थोड़ा सा बटर डालें और गरम मसाला डाल के आप इसे उतार लें। लेकिन हम यहाँ पे ग्रेवी वाली सब्जी समझिए या मटन वाली टेस्ट वाली सब्जी समझिए कटहल की, तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। पानी हमने वही यूज़ किया है, ऊपर से थोड़ा सा सादा पानी भी डाला है चूँकि वहाँ पानी कम था जो हमने कटहल को उबाला था। और यहाँ पर हम गरम मसाला डालेंगे ऊपर से और अब हम इसे कुकर में शिफ्ट करेंगे ताकि जो है इसका जो प्याज है सो अच्छी तरह से गल जाए। तो कुकर में आप इस तरह से इसे शिफ्ट कर दें। कुकर में भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 सीटी लगाना है ताकि मसाला और कटहल आपस में मिक्स हो जाए। तो अब हम इसे ढक्कन बंद करके 1 सीटी लगने देंगे। तो देखिए 1 सीटी लग चुका है, तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुकर भी अब ठंडा हो चुका है बिल्कुल। तो अब हम इसे खोलते हैं, देखिए सब्जी जो है बिल्कुल बनके तैयार है। देखिए ग्रेवी इसका, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लहसुन जो है इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा है, तो आप इसमें थोड़ा सा लहसुन का टुकड़ा जो खाने में मुँह में आता है बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसे कलछुल से चला लें ताकि कुछ लहसुन खुद ही मिक्स हो जाएगा और कुछ लहसुन जो है टुकड़ा टुकड़ा में रहेगा। तो एक बार इसे आप कलछी से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए सब्जी जो है बिल्कुल बन के तैयार है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कटहल वाली सब्जी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। यदि आपको ये कटहल वाली
सब्जी पसंद आती है तो आप लाइक करें मेरे चैनल पे। भी आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आने वाले बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पर सब्जी जो है बिल्कुल बन के तैयार है, लेकिन इसको बिल्कुल मटन का टेस्ट देने के लिए हम एक बार घी से घी का तड़का इस पर लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर तड़का पैन लिया है, उसमें 3 चम्मच घी हमने इसमें डाला है, थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा। अब इसे ब्राउन नहीं करेंगे, अब इसके ऊपर से हम इस तरह से इसको तड़का को डाल देंगे। इससे जो इसका टेस्ट बिल्कुल मटन जैसा आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएंगे। आप पूरी पराठे या चावल, फ्राइड राइस, पुलाव किसी के भी साथ इसका आनंद आप ले सकते हैं, सभी के साथ उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अगर आप इसे बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट लिख के भेजें कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।